तो स्मॉल कैप स्टॉक्स ही वो होंगे क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही वो पोटेंशियल रहता है जो कि आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ जानेंगे वो दो स्टॉक से द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर चैनल है, well है, है यहाँ पर भी आपको बताए जा रहे हैं और यहाँ पर जाके वीडियोस को देखिए सीखिए कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर मार्केट में तेजी होती हुई दिखाई देगी नई रैली के लिए तैयार हो जाओ तो यहाँ पर देखिए आज मार्केट में किस तरीके से यहाँ पर अच्छा खासा तरीके से भागता हुआ दिखाई दिया है मार्केट तो आइएटर हैं, हैं, exactly पर, वो है, बट तो पर जान लेते हैं। हम यहाँ पर चार्ट डालते रहते हैं ओके इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे वीडियोज एज वेल एज यहाँ पर सब चीज डाल रहे हैं तो यहाँ पर आप जाके हमें देख सकते हैं तो सबसे पहले जिस स्टॉक्स की बात करूंगा उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो ये स्टॉक्स मैंने आपको बड़े जब छोड़ रहे दो सौ रुपए का प्राइस हुआ करता था इसका उस टाइम बताया था और दो रुपए से छह सौ पे ये पे शेयर गया था ओके लगभग चार सौ रुपए यहाँ पर मिलते हुए नजर आए थे और उसके बाद यहाँ पर लगातार अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसके चार्ट पैटर्न की तरफ तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि लगातार यहाँ पर एक गिरावट होती हुई नजर आई है यहाँ पर आप देख सकते हैं और अभी भी जब ये यह शेयर यहाँ से यहाँ भाग रहा था तब भी मैंने आपको यहाँ पर पकड़ के इस वीडियो से रिलेटेड रूबरू कराया था तो अब इसके नंबर आ चुके हैं सबसे पहली बात तो यहाँ पर ऐसा क्या है इसके बिजनेस में जो आ, ऐसा क्या लग रहा है कि यहाँ पर हजार परसेंट से ज्यादा के रिटर्न जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ मल्टीबैगर स्टॉक्स की तो मल्टीबैगर बैगर स्टॉक्स में इसका नाम है तो इसके पीछे का रीजन है तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले इसका बिजनेस देखिए कंपनी जो काम करती है ना स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर जितने भी केमिकल्स दे रखे ये सारे के सारे यहाँ पर इसी कंपनी के है कंपनी की बात कर रहे तो ऑपरेशन लगभग कंट्रीज में कंपनी काम करती हुई नजर आती है जिनमें से ग्यारह ऑफिस जो इसके है, इनके है वो यहाँ पर इंडिया में लोकेट है बाकी तीस कंट्रीज में अलग अलग यहाँ पर इनके ऑफिस यहाँ पर दिखाई देते हैं कंपनी की बात करें जितने भी सेगमेंट है उसमें ये लीडर है ओके अच्छा खासा रेवेन्यू इन पर्टिकुलर यहाँ पर इनके प्रोडक्ट से आते हुए दिखाई देते हैं इंटरनेशनल की बात करें तीस प्लस कंट्री में एक कंपनी काम करती है जैसे चाइना नीदरलैंड रशिया सिंगापुर यू यूके यूएसए तो और अब बात करें थ्री इंटरनेशनल ऑफिस भी है तो अच्छा खासा रेवेन्यू भी आता है वहां से ही और अच्छा खासा कंपनी यहाँ पर काम भी करते हुए नजर आती है तो यहाँ पर देखेंगे आप ये फार्मास्यूटिकल्स की यहाँ पर केमिकल बनाती है प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग एग्रो केमिकल्स कलर एंड पिगमेंट केमिकल्स अदर्स ये सब काम करती हुई दिखाई देती है मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी और याद रखिए स्मॉल कैप कंपनी में ही पोटेंशियल होता है जो कि यहाँ पर आपको मल्टी रिटर्न दे सकती है एज एज वेल कंपनी लगभग डेट फ्री शेयर है 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 ओके यहाँ पर PE की बात करें 22 इसका 35 है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा नजर आता है आर ओ सी आर ओ स्मॉल कैप कंपनी में 25 21 का मिलना बहुत मुश्किल होता है और इन में मिल रहा है तो याद रखिए अच्छा शेयर है और यहाँ पर देखें पिछले पांच साल में इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ 29 परसेंट से बढ़ी है और सेल्स की ग्रोथ ट्वेंटी

और जिसकी वजह से हम यहां पर देखें तो मार्जिन पे थोड़ा सा इफेक्ट तो तो और बीस परसेंट से तेरह परसेंट पे यहाँ पर रह गए बट अगली क्वार्टर के जब रिजल्ट आएंगे तो आप खुद कंपेयर कर लीजिए कि यहाँ पर फाइव परसेंट और थर्टीन परसेंट तो ऑब्वियसली बात है फाइव परसेंट से ज्यादा ही आने वाले हैं और यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है ना एक पॉजिटिव पॉइंट है इसके अलावा कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है 2015 में एक हजार चौहत्तर करोड़ की सेल्स थी 2022 में बात करें तो तीन हजार चौरासी करोड़ की सेल्स तीन गुना तो इनकी सेल्स बनी है इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 21 करोड़ से दो करोड़ का प्रॉफिट हो गया है तो यहाँ पर प्रॉफिट में देखिए 10 टाइम्स से ज्यादा की यहाँ पर ग्रोथ हुई है तो ये सब चीज बताती है ये जो यहाँ पर पैरामीटर है कि यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने वाली है और जिस तरीके से चाइना यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर जितने भी स्पेशलिटी केमिकल्स के स्टॉक्स है वो यहाँ पर भागते हुए नजर आएंगे और उसमें ये एक बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन है रिजर्व्स की बात करें 1248 करोड़ के रिजर्व्स है बोरिंग की बात करें 139 करोड़ की बोरिंग है लगातार कम हुई है बोरिंग कंपनी ने तीन रुपए खर्च कर रखे हैं वर्किंग प्रोग्रेस में जब ये यह यहाँ पर ऐड हो जाएंगे ना वो फिक्स एसेट में तो याद रखिएगा जो यहाँ पर इनके जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली चेंज होते हुए नजर आएंगे कैश कंपनी के पास वन करोड़ का है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न एफ आई एस ने हिस्सेदारी बढ़ाई है डी के पास भी हिस्सेदारी है पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास भी हिस्सेदारी नजर आती है चार्ट की तरफ थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम देख ले तो चार्ट भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि चार्ट किस तरीके से काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार तेजी थी फिर इसके बाद गिरावट होती हुई दिखाई दी और गिरावट कहां से हुई यहाँ पर रजिस्ट्रेन से होती हुई दिखाई दी तो ऑब्वियसली बात है रजिस्ट्रेंस से ही गिरावट होती है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर से कंपनी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने ये सपोर्ट नजर आता है ये सपोर्ट होल्ड कर लिया तो अच्छी बात है नहीं किया तो थोड़ा सा और गिरता हुआ नजर आ सकता है बट यहाँ पर मुझे लगता है कि ये सपोर्ट यहाँ पर होल्ड कर लिया क्यों क्योंकि यहाँ पर शेयर ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्ट हो गया है पहली बात यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं फिफ्टी की ऑलरेडी गिरावट है एज वेल एज शेयर यहाँ पर अगर मैं बात करूं अच्छे रिजल्ट यहाँ पर पेश कर रहा। जब यहाँ पर सब दिखाई दे रही है तो, तो आपको अच्छे खासे देता हुआ नजर आएगा और एक अच्छा खासा पैटर्न भी बनता हुआ नजर आएगा मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये तीन अस्सी रुपए तक जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पर चार सौ बहत्तर तक जाएगा और यहाँ पर निकला तो पांच सौ छह सौ का जो इसके लेवल है वो भी निकालता हुआ नजर आएगा इसके अलावा दूसरे देखे, शेयर देखे, की देखे, बात करें की ना ना रोजरी रोजरी बॉयटेक आपके सामने आठ सौ रुपए के नौ सौ रुपए के आसपास कंपनी की बात करें तो कंपनी भी यहाँ पर क्या काम करती हुई दिखाई देती है कंपनी भी यहाँ पर आप देखेंगे तो केमिकल बिजनेस में ये काम करती है वो केमिकल बिजनेस थोड़े अलग केमिकल्स से अभी की बात करें तो ये कंपनी अलग केमिकल्स में काम करती है ये 2003 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स तो अगर बात करें जितनी भी कंपनी है जो यहाँ पर टेक्सटाइल से रिलेटेड केमिकल्स बनाती है उसमें ये सबसे लार्जेस्ट यहाँ पर दिखाई देती है थ्री मेन प्रोडक्ट में कंपनी काम करती है होम पर्सनल केयर परफॉर्मेंस केमिकल्स टेक्सटाइल टेक्सटाइलिक केमि, स्पेशलिटी केमिकल्स एनिमल हेल्थ न्यूट्रिशंस में कंपनी जो ये केमिकल्स बनाती है उसमें ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है टू आर एन डी फैसिलिटीज भी और कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर काम करती है एक बार इसके बिजनेस मॉडल को पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा तो कंपनी अच्छी खासी है दोनों केमिकल्स की है बट दोनों के जो केमिकल्स है वो अलग अलग यहाँ पर इंडस्ट्री में यूज होते हैं मार्केट कैप की बात करें अगेन स्मॉल कैप कंपनी है पी सिक्सटी टू का इंडस्ट्री का पी ट्वेंटी टू का महंगा शेयर है बट अच्छे शेयर हमेशा याद रखिए महंगे मिलते हुए नजर आते हैं एटीन और थर्टीन के आसपास का ठीक ठाक है, है ज्यादा अच्छा भी नहीं है तो ज्यादा बुरा भी नहीं है डट फ्री शेयर है ये पॉजिटिव पॉइंट है और सोलह रुपए से लगातार इसमें गिरावट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है पिछले पांच साल में प्रॉफिट का रेशियो अड़तीस से बढ़ा है पिछले पांच साल में सेल्स थर्टी फाइव परसेंट से बढ़ी है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पर दिखाते हैं मैक्सिम चार्ट पैटर्न देख सकते सात सौ रुपए के आसपास आया था उसके बाद लगभग डबल हुआ और उसके बाद गिरावट क्योंकि पूरी मार्केट में गिरावट थी यहाँ पर इसके रिजल्ट आने वाले अभी तक इसके रिजल्ट नहीं है, ओके, में इसके रिजल्ट है इफ बट यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर में गिरावट थी जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिज और इन्फ्लेशन वो हम यहाँ पर समझ सकते हैं बट अभी के जो रिजल्ट आएंगे शायद यहाँ पर मार्जिन थोड़ा सा दबाव रह सकता है बट उसके बाद के तो तीन महीने बाद जब ये शेयर यहाँ पर मार्जिन ये वगैरह यहाँ पर अच्छे खासे आने लग जाएंगे तो शेयर ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा बट याद रखिए मार्केट पहले रिएक्ट करती है बाद में बाद में यहां पर आपको पता चलता है कि शेयर ऊपर चला गया तो यहाँ पर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कंपनी का अच्छा खासा है एज वेल एज जो यहाँ पर डेटा दिखा रहा है ईयरली बेसिस पे वो चीज यहाँ पर चौकाती है कि एक करोड़ की सेल्स थी दो में और दो में एक करोड़ की सेल्स है तो यहाँ पर सेल्स क्या हुई है यहाँ पर सेल्स आपकी फाइव टेन टाइम्स के लगभग नाइन टाइम्स कह सकते हैं कि यहाँ पर बढ़ती

एफ की बात करें एफ के पास भी 8% के शेयर है डी ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है पब्लिक के पास 9% के शेयर ही केवल नजर आते हैं रोजरी बायोटेक की बात करें तो रोजरी बायोटेक आपके सामने है, पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आज शेयर लगभग 2% परसेंट यहाँ पर दो तीन परसेंट यहाँ पर ऊपर है यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है वो भी यहाँ पर बता रहा है कि अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर आपको मिलते हुए नजर आ सकते हैं देखिए जो इसका आज का ही हाई है ये निकाल दिया ना इसने ओके एज वेल एज यहाँ पर ये पर्टिकुलर 909 909 का लेवल निकाल दिया तो शेयर सीधा हजार एक हजार पंद्रह तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये शॉर्ट टर्म में आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में इतने गेन मिल सकते हैं बट लॉन्ग टर्म की बात करें जिस हिसाब से ये शेयर गिरा था राउंडिंग टॉप बना के राउंडिंग बॉटम बना के ही ये शेयर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा थोड़ा सा पेशेंस पेशेंस की बात करनी पड़ेगी ओके पर रखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर शेयर रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा गिरावट की बात करें शेयर ऑलरेडी यहाँ पर 50 परसेंट तो नहीं कहूंगा बट यहाँ पर शेयर ऑलरेडी फोर्टी के लगभग यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ चुका है गिरावट की चांसेस ना के बराबर है ओके okay, रिजल्ट थोड़े बहुत डाउन आएंगे आ सकते हैं और उसके बाद जब शेयर यहाँ पर काम करना शुरू करेगा अपना शेयर जब यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से भागना शुरू करेगा तो आपको यहाँ पर रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे तो यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ हजार परसेंट के रिटर्न की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न की तो ऑब्वियस सी बात है मैं बात यहाँ पर छह महीने और एक साल की नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पांच साल दस साल पंद्रह साल की ओके जब यहाँ पर पंद्रह साल बाद जब इसका चार्ट पैटर्न आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ऐसा चार्ट पैटर्न नहीं दिखाई देगा तब आपको चार्ट पैटर्न यहाँ पर इस तरीके से होते हुए ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा जैसे कि यहाँ पर चार्ट पैटर्न अगर मैं बात करूँ एस आर एफ का है ओके एस आर एफ ने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बेहतरीन मल्टीपैगर रिटर्न आपको अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आरती इंडस्ट्री ओके आरती इंडस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी स्मॉल कैप कंपनियां रहती थी कभी और यहाँ पर अभी देखेंगे लार्ज कैप कंपनी है एक मार्केट वैल्यू है यहाँ पर देखिए एक अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न तो इसी तरीके से ये शेयर काम करते हुए दिखाई देंगे पेशेंस रखना पड़ेगा ओके okay, और अच्छा खासा पेशेंस रखना पड़ेगा पेशेंस रख लिया तो याद रखिए रोजरी बायोटेक और लक्ष्मी ऑर्गेनिक ये दो ऐसे शेयर है जो अच्छे खासे रिटर्न आपको देते हुए नजर आएंगे बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनशर खुद की स्टडी करना है वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट दूसरे चैनल नीतीश कुमार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एज वेल एज हमारे दूसरे वीडियोज आते रहते हैं जाके देखिए अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी और हमें ट्विटर इंस्टाग्राम सब पे फॉलो करिए ताकि वहां पर भी आपको चीजें मिल सके सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस